तीसरे चरण के तहत चतरा जिले के सिमरिया विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक वोट डाले गए। पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। सिमरिया में 59.83% मतदान हुआ। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों में खासा उत्साह देखा गया। सभी वोटर्स ने अपने कतार में खड़े होकर बारी बारी से वोट डाला। वहीं टोकन सिस्टम के कारण मतदाताओं को वोट डालने में काफी सुविधा हुई। इस चुनावी मैदान में कुल 18 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी से किशन दास, महागठबंधन से कांग्रेस उम्मीदवार योगेंद्र नाथ बैठा, आरजेएस से मनोज चंद्रा और जेवीएम से रामदेव सिंह भोक्ता के बीच मुख्य मुकाबला है। और ये तमाम प्रत्याशी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने बूथों तक भी पहुंचे। और पूरे जनता से अपील है कि महागठबंधन हेमंत सोरेन जी का मुख्यमंत्री बनाने का जो यहाँ पर पूरे झारखंड की जनता ठान ली है, और इस तीसरे चरण में भी महागठबंधन के उम्मीदवार ही चुनाव जीत रहे हैं। और जो रुझान मिल रहा है सुबह से अभी तक मुझे, चाहे वो टंडवा हो, सिमरिया हो, लावालौंग हो, गिदौर पतलगड्ढा हो, इटखोरी मयूरहन हो, यहाँ की जनता चुन ली है अपने उम्मीदवार को, योगेंद्र नाथ